नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन हिंदी हाईलाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और EDS का कट टू कट एडिट किया हुआ सॉन्ग प्रोजेक्ट लेकर आए हैं दोस्तों, जो एकदम न्यू है दोस्तों। और ये न्यू सॉन्ग के ऊपर भी एडिट किया हुआ है दोस्तों। तो आज का ये सॉन्ग कैसा बना हुआ है ये देखने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि हमारा आज का ये प्रोजेक्ट कैसा बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये वो रार फाइल है दोस्तों, जो आज आप लोग डाउनलोड करेंगे दोस्तों। इस रार फाइल का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इस पर हमने एक पासवर्ड भी लगाया हुआ है, जो वीडियो में आपको 3 हिस्सों में टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और पासवर्ड फाइंड करके इस जिप फाइल को अनजिप करें। तो इसको पहले हम अनजिप कर लेते हैं, उसके बाद अपने EDS में ओपन करके देखेंगे कि हमारा आज का ये प्रोजेक्ट जो कट टू कट एडिट किया हुआ है ये कैसा है और किस प्रकार इस पर काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अनजिप कर लेते हैं दोस्तों। अनजिप करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी, जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूँ, इसलिए वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपसे पासवर्ड मिस ना हो और पासवर्ड फाइंड करके आप प्रोजेक्ट को अच्छे से अनजिप कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ दोस्तों। हमारा प्रोजेक्ट अनजिप हो चुका है। अनजिप करने के बाद आपको एक एक नया फोल्डर मिलेगा, फ़कीरा द स्टूडेंट ऑफ एयर। ये स्टूडेंट ऑफ एयर नाम की एक मूवी आई थी दोस्तों, उसी का ये सॉन्ग है फ़कीरा। आज इसी के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है दोस्तों, और इस नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। इसको आप जब ओपन करेंगे तो इसमें एक डाटा नाम का फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर आपको डाटा मिल जाएगा जो इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, और एक प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को EDS में ओपन करने के लिए हम सबसे पहले अपना EDS ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट करके इसको ओपन करके आपको दिखा देंगे। EDS हमारा ओपन हो रहा है। दोस्तों, फाइनली हमारा EDS ओपन हो चुका है। हमने यहाँ पहले से इसको ओपन किया हुआ था EDS में, इसलिए ये रिसेंट में शो कर रहा है दोस्तों, लेकिन हम रिसेंट से इसको नहीं उठाएंगे। हम आपको दिखाने के लिए ओपन प्रोजेक्ट करके और इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट करके हमने यहीं पर इसको अनजिप करके रखा हुआ है, वहीं से उठाकर आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में आपको पासवर्ड मिलेगा दोस्तों, वो भी 3 हिस्सों में टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है वीडियो में। तो इसलिए वीडियो पूरा देखें, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, वो कृपया बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत है दोस्तों प्रोजेक्ट से संबंधित, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए EDS का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके कमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, और वो जो गाना आप बताएंगे उस पर हम नया प्रोजेक्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, फ़िलहाल अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट EDS में ओपन हो चुका है। ये वो प्रोजेक्ट है दोस्तों, देखने में कुछ ऐसा है। इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा 3D इफ़ेक्ट का भी प्रयोग किया गया है। आप अपने हिसाब से इसको रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल गाने के हिसाब से है। तो आप ये 3D इफ़ेक्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों, सही तरीके से इसको देखने के लिए इस पर हम सबसे पहले वीडियो लगा लेंगे दोस्तों। वीडियो लगाने का तरीका दोस्तों वही पुराना। सबसे पहले बिन में एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम कुछ वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे जो इसके ऊपर हमें आज लगाना है। हमने दोस्तों बॉय गर्ल कपल के फुटेज कुछ इंपोर्ट कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से लगाएंगे, हम आपको केवल दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद आपको रिप्लेस करने के लिए दोस्तों, रिप्लेस फुटेज वाली क्लिप के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है,
फिर आपके पास एक नया सीक्वेंस खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों। उस सीक्वेंस पर आपको बिन से यहाँ अपना सारा वीडियो पकड़ के और उठा के आपको केवल यहाँ पर छोड़ देना है दोस्तों। दोस्तों ये हमने यहाँ से बिन से उठाया तो इसमें ऑडियो भी आ रहा है। इसके लिए दोस्तों आप पहले यहाँ से वीडियो हटा दें और उसके बाद आप यहाँ केवल ऑडियो का ये जो सैंपल है इसको आप म्यूट कर दें, ऑडियो बंद कर दें। उसके बाद अगर आप वीडियो लाएंगे तो उस पर ऑडियो नहीं आएगा, ऐसा कर सकते हैं आप, उस पर ऑडियो अब नहीं आएगा। उसके बाद वीडियो लगाने के बाद दोस्तों आपको फाइनल सीक्वेंस पर अपने आ जाना है और आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है दोस्तों पूरी तरह से। उसके बाद आप प्ले करके देख सकते हैं। दोस्तों पूरी तरह कट टू कट एडिट किया हुआ है दोस्तों ये प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको हम पूरा सॉन्ग नहीं सुना सकते क्योंकि दिक्कत हो जाती है कॉपीराइट की। दोस्तों आपको इस प्रोजेक्ट में दो जगह वीडियो लगाने पड़ेंगे। एक जगह ये दूसरा सीक्वेंस एक खुल के और आता है फुटेज वाला, उस पर भी लगाएंगे। जहाँ पर ये इफ़ेक्ट लगा हुआ है वहीं वहीं पर केवल आपको लगाना है। इफ़ेक्ट के नीचे जो आपको टाइमलाइन में ये क्लिप दिख रही होगी उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक नया सीक्वेंस खुल जाएगा दोस्तों। बस वो नया सीक्वेंस जो खुलेगा उसी पर आपको वीडियो उठा के रख देना है और उसके बाद फाइनल सीक्वेंस पर आ जाना है, फिर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ अभी काम बाकी रह जाता है जिसमें ये 12 क्लिप ऑफलाइन शो कर रही हैं दोस्तों। ये बॉय गर्ल और कपल की फुटेज हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे आसान तरीका जो हमें लगता है दोस्तों, यहाँ जहाँ पर ये 12 क्लिप ऑफलाइन दिख रही हैं यहाँ पर आपको केवल डबल क्लिक करना है। एक नया विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगा, वहाँ किसी एक क्लिप के ऊपर आपको क्लिक रख के और कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे ही सारी क्लिपें सेलेक्ट हो जाएंगी दोस्तों एक एरो आपको दिखेगा, उस एरो पर लेफ़्ट क्लिक करके रिलिंक सेलेक्ट फोल्डर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको ये ब्राउज़ करने को मांगेगा। आप जहाँ कहीं भी अपने सिस्टम में जिस भी पाथ पर बॉय गर्ल कपल के फुटेज या वीडियो काट के रखे हों दोस्तों उस फोल्डर को सेलेक्ट करके और आप यहाँ से इसको रिलिंक करा सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखने वाली है क्योंकि इसमें हमने जो फुटेज लगाया हुआ है दोस्तों वो उसका जो है लेंथ 25 सेकंड का है और ये फुल HD MP4 में कन्वर्ट किया हुआ है दोस्तों। H264 में ये कन्वर्ट किया हुआ है 1920x1080 पर, तो दोस्तों तभी ये आराम से लिंक हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो ऐसे लिंक होने में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपका लेंथ वीडियो का बड़ा हुआ या दूसरे किसी फार्मेट में आप अगर रेंडर करके रखते हैं तो ये रिलिंक होने में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। उसके बाद आपको सीधा वही फोल्डर सेलेक्ट करना है जहां पर आपने कोई फुटेज वगैरह काट के रखे हों। फिलहाल हम कोई भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए, चलो यही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा देखो पूरा रिलिंक हो गया, एक भी क्लिप इसमें बाकी नहीं है जो रिलिंक ना हुआ हो क्योंकि हमने इसको रेंडर करके रखा हुआ है MP4 में दोस्तों, H264 में। ये देखो रिलिंक हो गया दोस्तों हमारा पूरा। दोस्तों प्रोजेक्ट बिल्कुल कट टू कट एडिट किया हुआ है, उसमें साथ में दोस्तों 3D इफ़ेक्ट का भी प्रयोग किया गया है। अगर आप 3D इफ़ेक्ट चाहते हैं तो लगा रहने दें, अन्यथा इसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट दोस्तों हमने अपने जान में बहुत ही अच्छा क्रिएट किया है। अगर आपको भी अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। अगर इसी प्रकार का प्रोजेक्ट आपको और चाहिए दोस्तों तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों, हम आपके लिए वैसा वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों हम वीडियो आपको फॉरवर्ड करके प्रोजेक्ट पूरा दिखा दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ से प्रोजेक्ट दिखाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, जिससे दिक्कत होगी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा समय आपका बर्बाद होगा। हाँ दोस्तों हमने बीच में कुछ वीडियो
की लेंथ बड़ी कर दी थी। अगर उससे आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम वीडियो की लेंथ छोटी रखेंगे। दोस्तों कुछ बातें होती हैं जो मैं सोचता हूँ कि शेयर करूँ आप लोगों से, बस इसी के चक्कर में दोस्तों वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है थोड़ा। अगर आपको ऐसे में कोई दिक्कत होती हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर ध्यान देंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को EDS में कोई दिक्कत है या EDS कोई भाई सीखना चाहते हैं जो हमारी वीडियो को आज देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कमेंट पर्याप्त लगा हमें कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए EDS की ट्रेनिंग के ऊपर दोस्तों, तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आपके कमेंट अगर आएंगे तो, क्योंकि कोई सीखने वाला अगर होगा दोस्तों तब भी तो हम सिखा सकते हैं। अगर कोई सीखने वाला होगा ही नहीं तो हमें वैसा वीडियो बनाने से फ़ायदा क्या है दोस्तों। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि EDS की ट्रेनिंग का फुल कोर्स का वीडियो अपलोड करें तो हम ज़रूर बना के वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा कंप्लीट तौर पर वॉच करें ताकि पासवर्ड आपसे मिस ना हो। पासवर्ड आपको वीडियो में तीन हिस्सों में टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा, और इस RAR फाइल का जो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं उसका एक RAR फाइल हमने अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।